हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना रसोई में। ये देखिए, ये कृति क्रिस्पी सैंडविच बनी है फ्रेंड्स। ये मैंने बिना ब्रेड के बनाई है। जो लोग ब्रेड नहीं खाते उसके लिए ये ब्रेड सैंडविच की रेसिपी है फ्रेंड्स। ये मैंने सूजी और आलू से बनाई है, जो कि बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही खाने में टेस्टी होती है। इसमें मैंने केवल 1 टीस्पून ऑयल का ही यूज़ किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैं 1 कप सूजी डाल दूँगी और 1/2 कप मैं दही डाल दूँगी और 1/2 कप ही हम पानी डालेंगे। और पानी डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यह रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करना न भूलें। अब मैंने एक प्लेट से ढककर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। जब तक ये रेस्ट हो रहा है, हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। यहाँ गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया, उसमें मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून जीरा डालूँगी। और जीरा डालने के बाद यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने फाइन चॉप किया वो डाल दी हूँ। और 1 मैंने प्याज लिया है। अब मैं प्याज डाल दूँगी। और प्याज डालने के बाद फ्रेंड, इसे हम ट्रांसपेरेंट होने तक सेकेंगे और गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। अब हमारा प्याज आप देख सकते हो ट्रांसलेंट हो चुका, तो इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर यूज़ किया है। और रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया, जो कि तीखा नहीं होता। और 1/4 कप मैंने मटर डाले हैं, जो कि मेरे बॉयल्ड मटर हैं। और डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बॉयल्ड मैश्ड पोटैटोज लिए हैं, आलू, जिसको मैं डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा चटपटा आता है। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिया डाल रही हूँ। आप ये थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। और डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम गैस से हटा लेंगे। अब मैं अपनी सूजी का बैटर देखती हूँ। ये 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए सूजी ने पूरा पानी डाल लिया, बहुत ही थिक हो गया है। तो इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी और डालूँगी और डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारा ये बैटर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे मैंने एक सैंडविच टोस्टर ले लिया है। हम सैंडविच बनाना शुरू करेंगे। इसके अंदर मैं इस तरह बटर लगा दूँगी। आप बटर की जगह घी या तेल भी यूज कर सकते हो। अब मैंने बटर लगा दिया है। बटर लगाने के बाद जो हमारा सूजी का बैटर है वो हम लगाएंगे। ये देखिए, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हो आप उसी तरह अप्लाई करें सूजी का बैटर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब मैंने सूजी का बैटर लगा दिया है, तो इसके ऊपर जो मैंने आलू की स्टफिंग बनाई थी वो रखूँगी। और आलू की स्टफिंग रखने के बाद फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो मैंने सूजी का बैटर बनाया है वो फिर से हम लगाएंगे। और लगाने के बाद हम इस टोस्टर को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद फ्रेंड्स, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये बहुत ही अच्छा सिक्के निकल के आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, अब हमारा सिक गया है। आप इसे खोलकर चेक भी कर सकते हो। अगर ना सिके तो आप फिर से एक बार सेक ले और इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक सेकें। ये देखिए, हमारे ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन सिक चुका है। तो इसे मैं अब एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बनता है।
और इसे बनाना भी फ्रेंड्स आप देख ही रहे हो कितना इजी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना क्रिस्पी बना है, और अंदर से मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी जो फिलिंग होती है वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें, और पसंद आए तो कमेंट करें। रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।